गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्थ ब्यूटी एंड लाइफ। मैं हूं मीनाक्षी, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज का वीडियो एक रिव्यू वीडियो है और आज मैं रिव्यू करने वाली हूं बॉस स्किन साइंस के न्यूली लॉन्च्ड मोरक्कन आर्गन ऑयल शैम्पू का और मोरक्कन आर्गन ऑयल कंडीशनर का। न्यू लॉन्च इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज ये लास्ट मंथ ही लॉन्च हुए हैं। लेकिन जो शैम्पू है वो नवंबर में लॉन्च हुआ है और इनका जो कंडीशनर है वो दिसंबर में लॉन्च हुआ है और मैं इनको लास्ट 15 डेज से यूज कर रही हूँ। ऑलमोस्ट 2 वीक्स हो चुके हैं मुझे नहीं यूज करते हुए, तो मैं आज अपना जो फीडबैक है वो आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। हाँ, मुझे वाउ स्किन साइंस ने भेजे हैं ये प्रोडक्ट्स फॉर रिव्यू पर्पस, सो जो भी मेरा फीडबैक होगा, जो भी मेरा रिव्यू होगा वो बिल्कुल ऑनेस्ट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट मूव ऑन करने से पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो पास में नोटिफिकेशन बेल है उसे जरूर हिट कर दीजिएगा, जिससे जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और गाइस, वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना। आप चाहें तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट पैकेजिंग। पैकेजिंग की बात करें तो दोनों की पैकेजिंग बिल्कुल सेम है। दोनों ही गोल्डन कलर की प्लास्टिक बॉटल पैकेजिंग में आते हैं। काफी अच्छी, काफी क्लासी पैकेजिंग लगती है मुझे इनके सारे प्रोडक्ट्स की। पंप बॉटल पैकेजिंग की वजह से जितना अमाउंट रिक्वायर्ड होता है आप उतना ही लेते हैं, आपको उतना ही लेना होता है, ज्यादा प्रोडक्ट वेस्ट नहीं होता और जिससे कि हाइजीन भी मेंटेन रहता है। और अगर क्वांटिटी की बात करें तो क्वांटिटी दोनों की 300 ml है, 300 ml की क्वांटिटी में आते हैं। और अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो दोनों का प्राइस 549 rupees है। 550 rupees का शैम्पू, 550 rupees का कंडीशनर है ये। बट Amazon और वाओ इनकी वेबसाइट पर आप जाएंगे तो आपको डिस्काउंट में मिल जाएगा। के जो लिंक्स है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग इनकी, जैसे मैंने आपको बताया, अभी रिसेंटली लॉन्च हुए हैं। सो इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो नवंबर और दिसंबर की है और आराम से इनकी जो शेल्फ लाइफ है वो 2 साल की, जो कि क्वाइट इनफ है। इतने टाइम में हमारा इजीली शैम्पू कंज्यूम हो ही जाता है। इसका जो की इंग्रेडिएंट है वो है मोरक्कन आर्गन ऑयल। मोरक्कन आर्गन ऑयल में बहुत सारे फैटी एसिड्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो कि डैमेज हेयर को रिपेयर करने में भी काफी इफेक्टिव होते हैं। लाइक बहुत सारे हीटिंग टूल्स यूज करने की वजह से, लाइक ब्लो ड्रायर, स्ट्रेटनर्स, कर्लर्स यूज करने की वजह से हमारे बाल डैमेज होते हैं। साथ ही में जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन होता है, स्मॉग होता है, उसकी वजह से भी हमारे बाल काफी डैमेज होते हैं। और जो मोरक्कन आर्गन ऑयल होता है वो हमारे बालों को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में, साथ ही जो ये डैमेज होता है इसे रिपेयर करने में काफी अच्छा वर्क करता है। और आगे देखते हैं, आगे देखें तो इसमें इन्होंने मेंशन किया है कि इसमें नो सल्फेट, नो पैराबेंस, नो सिलिकॉन्स, नो सॉल्ट, नो कलर, जो काफी अच्छी चीज है। मुझे वाओ स्किन साइंस के प्रोडक्ट्स की ये चीज काफी अच्छी लगती है कि इनके अंदर कोई सल्फेट नहीं होता, मिनरल ऑयल नहीं होता, पैराबेंस नहीं होते हैं, सिलिकॉन्स नहीं होते हैं और जो अदर हार्मफुल केमिकल्स होते हैं वो भी ऐड नहीं किए गए होते हैं, जो कि काफी अच्छी चीज होती है। और इसके अंदर सल्फेट नहीं है इसलिए ज्यादा लेदर प्रोड्यूस नहीं करता है। जब आप हेयर वॉश करेंगे इस शैम्पू से तो आप ज्यादा फोम, ज्यादा लेदर, ज्यादा झाग प्रोड्यूस नहीं होगा, नहीं बनेगा, बिकॉज इसके अंदर सल्फेट नहीं है। जो शैम्पू ज्यादा लेदर प्रोड्यूस करते, ज्यादा झाग बनाते हैं ना, उसके अंदर सल्फेट होता है, सल्फेट की वजह से वो बनाते हैं। सल्फेट एक ऐसा केमिकल होता है जो हमारे लॉन्ग रन में हमारे बालों को डैमेज कर सकता है। आपने देखा होगा डिटर्जेंट होते हैं उनके अंदर सल्फेट होता है, जिससे कि झाग प्रोड्यूस होता है, झाग बनता है और कपड़े वॉश होते हैं। इसलिए आप देखिए कितना हार्मफुल होता है जब वो डिटर्जेंट में डाला जा रहा है, इसका मतलब वो बहुत ज्यादा हार्मफुल होगा। लाइक वो हमारे कपड़े धोने के काम में आता है और वो शैम्पूज में भी होता है। सो अगर आपको सूट करता है तो ठीक है, बट लॉन्ग रन के लिए वो अच्छा नहीं होता है। तो आई वुड सजेस्ट यू कि जो सल्फेट फ्री शैम्पूज होते हैं वही यूज करने चाहिए। अगर इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसकी जो इंग्रेडिएंट लिस्ट है वो पीछे दी गई है पूरी बैक साइड में, और इनके हाउ टू यूज, टिप्स फॉर बेस्ट रिजल्ट्स सब पीछे मेंशन किया हुआ है। और साथ ही में ये प्रोडक्ट ग्लूटेन फ्री है, 100% वीगन है और क्रुएल्टी फ्री है। सो ये बहुत अच्छी चीज है कि ये किसी, ये एनिमल टेस्टेड नहीं है, कम्प्लीटली वीगन है, ग्लूटेन फ्री है। सो ये भी इसका एक प्लस पॉइंट है। और ये हर हेयर टाइप को सूट करेगा, जो कि काफी अच्छी चीज है। बट यू हैव टू बी पेशेंट, आप ओवरनाइट रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। एकदम अचानक मैं आपको नहीं बोल सकती कि इतने यूज में ही मेरे को बहुत वास्ट डिफरेंस दिख रहा है अपने बालों में, बट हाँ, यस, मुझे डिफरेंस दिखना स्टार्ट हुआ है। और इसमें है DHT ब्लॉकर्स। अब DHT क्या होता है? DHT एक ऐसा हार्मोन होता है जो कि हमारे हेयर लॉस और हेयर फॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और इसके अंदर जो की इंग्रेडिएंट्स हैं, लाइक मोरक्कन आर्गन ऑयल, सॉ पाल्मेटो, नेटल लीफ एक्सट्रैक्ट एंड विटामिन B5। अब इसमें सॉ पाल्मेटो और नेटल लीफ एक्सट्रैक्ट क्या करते हैं, जो ये DHT हार्मोन होता है जिसकी वजह से हमारे बाल झड़ते हैं, टूटते हैं, हेयर फॉल वगैरह होता है, सो उसे रोकता है, उसे कंट्रोल करता है और हेल्दी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। और जो हमारे बालों को जो झड़ना और टूटना होता है उसे रोकते हैं, उसे मिनिमाइज करते हैं। और जो विटामिन B5 है वो जो हमारे हेयर फॉलिकल्स होते हैं उसे स्ट्रेंथन करता है, उसे मजबूती देता है और साथ ही एक
जो हेल्दी हेयर ग्रोथ होती है, नेचुरल हेयर ग्रोथ होती है, उसे प्रमोट करता है, उसे बूस्ट करता है। जो अमेरिकन आर्गन ऑयल होता है उसके अंदर होते हैं फैटी एसिड्स, वाइटामिन ई, एंटीऑक्सीडेंट, जो कि हमारे जो ड्राइनेस होती है, जो फ्रीजी हेयर होते हैं उसे कंट्रोल करता है, ड्राइनेस को कम करता है और हमारे बालों में शाइन और लस्टर ऐड करता है। कंसिस्टेंसी की बात करें तो लेट मी शो यू, लेट मी ओपन इट। आपको लेफ्ट घुमाना है इसे और इस तरह से आपका शैम्पू बाहर आ जाएगा। काफी क्रीमी कंसिस्टेंसी है ये शैम्पू है और जो शैम्पू है वो थोड़ा रनी साइड पर है, नॉट टू रनी, नॉट टू थिक। सो इसकी कंसिस्टेंसी इस टाइप की है। कंडीशनर को देखें, कंडीशनर को देखें तो इसका जो टेक्सचर है इसकी स्किन से काफी थिक, क्रीमी, रिच क्रीमी कंसिस्टेंसी में है ये, और ये काफी थिक है, बिल्कुल भी रनी नहीं है। तो शैम्पू थोड़ा रनी कंसिस्टेंसी में है, तो आप देख सकते हैं ये शैम्पू है एंड दिस इज अ कंडीशनर। फ्रेग्रेंस दोनों की अमेजिंग है, बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस नहीं है इसकी। चलिए मैं आपको बताती हूँ मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा है इसे यूज करने के बाद। मैं लास्ट 2 वीक्स से इसे यूज कर रही हूँ, ऑलमोस्ट 4 से 5 बार यूज कर चुकी हूँ और आज ही मैंने शैम्पू किया है इसी शैम्पू और कंडीशनर से, और बहुत अच्छा मुझे काफ़ी अच्छा, मेरे जो बाल थोड़े ड्राई हो रहे थे और फ्रिजी हो रहे थे उसमें भी काफ़ी कंट्रोल हुआ है, ड्राइनेस कम हुई बालों से और एक शाइन ऐड हुई है बालों में। आप देख सकते हैं, आपको दिख पा रहे होंगे थोड़े शाइनी बाल लग रहे हैं और साथ ही बहुत स्मूद और सिल्की भी लग रहे हैं, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बट आपको मैं बता दूं कि अगर आप ऑयलिंग करके अगर इसको यूज़ करेंगे तो आपको इससे ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा, लाइक आपको 2 बार यूज़ करना पड़ेगा, वो भी 4 से 5 पंप लेकर। और अगर आपने ऑयलिंग नहीं किए तो ईजिली आपके 2 से 3 पंप में जो बाल हैं वो अच्छे से वॉश हो जाएंगे, अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। और बाकी आपकी हेयर लेंथ पे भी डिपेंड करता है, आपकी हेयर लेंथ क्या है उसके अकॉर्डिंग भी आपको इसकी क्वांटिटी लेनी पड़ेगी। हेयर फॉल मुझे है नहीं तो मैं आई कांट अश्योर यू अबाउट हेयर फॉल, बाकी बट इसकी जो क्लेम्स हैं वो बाकी सारे सही हैं, तो हेयर फॉल वाला क्लेम भी इसका काफी सही होगा। तो चलिए इसकी प्राइसिंग की बात तो हम कर चुके हैं, बट अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसके प्राइस ज्यादा है, लाइक 549 का ही शैम्पू है, 549 का कंडीशनर है, सो आपको बहुत ज्यादा लग रहा है, तो लेट मी टेल यू, जो मोरक्कन ऑयल होता है वो आर्गन ट्री के फ्रूट से बनाया जाता है, और जो ये ट्री होते हैं, ट्री पे फ्रूट आने में 30 to 50 years लगते हैं, लाइक 30 से 50 साल उस उन ट्रीज पे फ्रूट आने में लगते हैं। सो इसलिए ये जो ऑयल होता है काफी रेयर होता है और बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। अगर हम उस कंटेक्स्ट में देखें तो ये उतना एक्सपेंसिव भी नहीं है, आप इसे ट्राई कीजिए। मोरक्कन आर्गन ऑयल बहुत ही अमेजिंग होता है, मैंने आपको इसके बेनिफिट्स बता दिए हैं, आपके बालों से रिलेटेड हर प्रॉब्लम को ये सॉर्ट आउट करता है, हर प्रॉब्लम के लिए वर्क करता है। आई विल हाईली रिकमेंड दिस प्रोडक्ट, एक बार ट्राई करो, आपको डिफरेंस जरूर देखने को मिलेगा अपने बालों में, और ट्राई करके मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मैं एक चीज आपको बता देती हूँ कि आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा, ऐसा नहीं आपने 2-3 बार यूज किया और आपको रिजल्ट मिल जाएगा, आपने बहुत अच्छे बाल हो जाएंगे, प्लीज इसको पेशेंस रखिएगा और कंसिस्टेंटली से यूज कीजिएगा, आपको रिजल्ट फॉर श्योर मिलेंगे। अब बात करते हैं इसकी कंडीशनर की। कंडीशनर मैंने बताया सेम पैकेजिंग में है, इसका प्राइस भी सेम है, और इसके अंदर भी नो सल्फेट, नो पैराबेन्स, नो सिलिकॉन, नो सॉल्ट, नो कलर, और साथ में ग्लूटेन फ्री है, क्रुएल्टी फ्री है और 100% वीगन है। सारी चीज़ें सेम इसकी तरह इसकी भी है, शैम्पू की तरह कंडीशनर की भी है, और मेड विथ 100% नेचुरल एक्टिव्स, मोरक्कन आर्गन ऑयल, विटामिन B5 और विटामिन ई इसके की इंग्रेडिएंट्स हैं, और मैंने इसे यूज़ किया है, काफ़ी सही है। आप कंडीशनर कैसे यूज़ करते हैं उस पर भी डिपेंड करता है, और इसका जो रिजल्ट है वेरी करेगा यूज़र टू यूज़र आपके हेयर टेक्सचर के अकॉर्डिंग, सो प्लीज़ ओवरनाइट रिजल्ट एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। और मैंने यूज़ किया है इसे, काफ़ी अच्छा कंडीशनर है, इसके 2 से 3 पंप ही लगते हैं आपके बालों में। और आपको क्या करना है, हेयर वॉश करने के बाद में आप पहले इस बालों को एक बार टॉवल ड्राई कर लें, हल्का हल्का ड्राई कर लें, जिससे कि इसमें जो पानी नहीं रहेगा अगर बालों में तो ये अच्छे से अपना वर्क करेगा। फिर उसके बाद में लेकर जैसे हम कॉम्बिंग करते हैं सेम इस तरह से आप कंडीशनर लगा लीजिए, और ये इसमें कोई केमिकल नहीं है, ये 100% सेफ है, सो आप इसे अपने रूट्स पे भी लगा सकते हैं, ऐसे इन्होंने मेंशन किया हुआ है, इस तरह से आप लगा लीजिए अपने, और एक बन बना के या तो शार्क कैप लगा लीजिए या फिर क्लचर वगैरह लगा के आप छोड़ दीजिए एटलीस्ट फॉर 5 to 7 minutes, और उसके बाद आप अपना हेयर वॉश कर लीजिए। काफ़ी अच्छा बालों को स्मूथ सिल्की लुक देता है, साथ ही में जो स्प्लिट एंड्स थे उस पर भी वर्क करता है। मेरे स्प्लिट एंड्स थे जो कि मुझे कम दिख रहे हैं, मैं ये नहीं करूँगी कहूँगी कि सारे चले गए हैं, बट मुझे इम्प्रूवमेंट लगा है मेरे स्प्लिट एंड्स में भी, और जो फ्रिजीनेस थी बालों की उसमें भी। और सबसे अच्छी बात तो ये है, हार्मफुल केमिकल से फ्री है, इसमें कोई हार्मफुल केमिकल नहीं मिलाया गया है, तो बोथ शैम्पू एंड कंडीशनर आर गुड फॉर योर हेयर,
और मैं तो आपको हाईली रिकमेंड करूंगी दोनों को एक बार ट्राई करने के लिए। मेरी तरफ से तो इसको बिग थम्स अप है और मुझे काफ़ी सही लग रहे हैं ये, मैं यूज़ कर रही हूँ, ट्रस्ट में ये मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। स्टार्टिंग में एक दो यूज़ में मुझे भी ये उतने अच्छे नहीं लगे थे, मुझे लगा मैं उतना अच्छा फीडबैक नहीं दूंगी इसका, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मुझे अच्छे लग रहे हैं, मेरे बालों पे वर्क कर रहे हैं। 2 से 3 बार में कोई वर्क नहीं करेगा, इनफैक्ट 4 से 5 बार में उतना अच्छा इसने वर्क किया है, बट इसको मैं जब 2-3 महीने यूज़ करूंगी मुझे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा इसका। सो आप भी इसे एटलीस्ट 1 मंथ दीजिएगा यूज़ करने के बाद, और जैसे इसमें इंस्ट्रक्शन है उसके अकॉर्डिंग ही यूज़ कीजिएगा तो आपको बेटर और अच्छा रिजल्ट मिलेगा इसका। सो आई होप गाइस ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, यूजफुल रहा होगा, और रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।